जी तो क्या ही टीम है जनाब हमारी, 58 पे 2 और 67 पे 7। ये खेलने गए हैं क्रिकेट। 28-29 साल का जो इंतजार है जनाब, वो ऐसे खत्म होगा, इस तरह की परफॉर्मेंस से खत्म होगा। 58 पे 2 और 67 पे 7, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बेशर्मी की जितनी हदें होती हैं सारी इन्होंने पार कर दी हैं। कोई थोड़ी सी कोई शर्म, कोई थोड़ी सी हया होती है ना, ही कोई शर्म है ना ही कोई हया है, और ये टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हुए। एक से बढ़ के एक नमूना है, एक से बढ़ के एक, एक ही ओवर में बस डन एंड डस्टेड। हेजलवुड, विकेट डॉट विकेट डॉट विकेट डॉट, छुट्टी। एक ओवर में 3-3 विकेट उस पिच में है कि जहां पे स्पिनर्स अपना जादू दिखा रहे हैं। हेजलवुड ने आके इनको एक ही ओवर में 3 चपेड़े मारी हैं ऐसी, और काम खत्म। बाबर आजम द किंग, द किंग ने पूरी सीरीज में 21 की एवरेज से रन किए हैं। 20 22 25 तो कोई भी कर लेगा, तो तुम किस चीज के भाई किंग बने हुए थे इतने सालों से? मतलब चलो स्वीप शॉट नहीं है, मतलब पार टाइमर से बिल्कुल नथिंग बॉल पे तुम आउट हो रहे हो। कोई थोड़ी सी बंदा कोई शर्म हया करता है। साउथ शकील जी बहुत ही शानदार टैलेंटेड, हम भी क्या कह के, डोमेस्टिक का बहुत अच्छा परफॉर्मर है ये वो। स्पिन के खिलाफ तो भाई ये लाजवाब है ये। आज 15 16 गेंद पे जाके अंडा तोड़ा, साथ ही आउट। मतलब पूरी सीरीज में दूसरी बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ये साउथ शकील साहब है। मतलब फास्टेस्ट 1000 रन और ये वो, श्रीलंका में डबल सेंचुरियां और पता नहीं क्या क्या क्या, यहाँ पे किसी एक मैच में भी इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेल सका। ये दोनों ने को मैंने जिनका नाम लिया है, ये तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस पूरी सीरीज की है। ना कि इन्होंने कटवा दी है अपनी भी, और जो जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने ही है। 58 पे 2 और 67 पे 7, मतलब ये ऐसी परफॉर्मेंस है कि अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे कि इनकी बेशर्मी को डिस्क्राइब करते हुए। ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हुए जी, ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट करेंगे जी। थोड़ी सी जो खुशी ये दे भी नहीं दे सकते अपने फैंस को, ये हल्की सी खुशी भी नहीं दे सकते। बॉलिंग पे था कि क्या हमारी बॉलिंग 20 विकेट लेने वाली है, तो बॉलिंग ने तो जैसे तैसे सीरीज में कुछ ना कुछ किया ही है, लेकिन हमारी बैटिंग, हमारी एक इनिंग में, वो पिछली इनिंग में 300 को टच किया, वो भी नंबर 9 वाले ने आगे 82 रन किए, तो फिर आपने 300 को टच किया, वरना 200 225 150 ये टीम की औकात है, और ये जीतेंगे जाके ऑस्ट्रेलिया से। तो ये इनकी जी परफॉर्मेंस है, एक लम्हे में इन्होंने जितनी एक्साइटमेंट बनी हुई थी सब ढेर करके रख दी, बिल्कुल 0/0। और जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद के ये कोई अगर कर जाए, 200 को टच कर जाए ओवरऑल, 200 के ऊपर कुछ टारगेट दे दे तो शायद के कुछ उम्मीद जागे, पिच इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई 200 से पहले तो 100 आता है, पहले हम 100 पे तो पहुंच जाए फिर 200 की बात करना। ऐसी बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस को जी मोहसिन अली साहब, ये हम ही लोग बेवकूफ है कि जो थोड़ी सी उम्मीद इनसे बांध लेते हैं, वरना इनमें वो दम ही नहीं है, और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी इन्होंने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। नहीं, हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम स्टूपिड हैं। हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो गधे की तरह 4 बजे उठ के बैठ जाता है और दुआएं भी कर रहा है और बदनाम भी हो रहा है। और जनाब, आप अपने मुल्क के लिए उत्साह नहीं करते, बाकी चद्दर ओढ़ के सोए रहो, स्कोर कार्ड देखो और आ जाओ। हम वाकई बेवकूफ है आजम है, ये बाबर आजम तो कुछ छोटी सी चीज है, हम बेवकूफ है आजम है कि हम मैच देखते हैं इनके साथ, अपने आप को अपना खून चलाते हैं, ब्लड प्रेशर, लोग तो ब्लड प्रेशर धोखे में दिखा के माल पानी, हमारा ब्लड प्रेशर ऐसे ही आई ऊपर नीचे होता रहता है फुदुओं की तरह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस गधे के बच्चे ने ये साजिद को ऊपर भेजा, वो क्या पॉलिसी क्या थी है? मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ, वाई साजिद खान वाज हेड ऑफ मिस्टर आगा सलमान, पहली बात पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बाबर के बाद दूसरी डिसअपॉइंटमेंट, नो, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साउथ शकील है। बाबर आजम तो माशाल्लाह
इंटरनेशनली यही कर रहा था जहां भी जाता था, और फिर उसके साथ जो हुआ था वो तो चले इट मेक सम सेंस। मैं साउथ शकील का क्या आपने फटे विकटे दूसरा इमामुल्लाह का आपने तैयार किया? मेरा कराची का साउथ शकील वो नीचे से स्प्रिंग इसके मुंह से निकल आते थे जो जो बोलता, मेरा शानू द किंग, मेरा सुप्रीम कप्तान। भाई मेरे बात ये आप उस वक्त कह रहे थे अभी वो कर ले अभी पोर्ट पोलिंग करा ले, शान शान इसलिए जीत जाएगा कि उसका मैच बाबर से है, शान इसलिए नहीं जीतेगा कि वो बड़ी अच्छी, भाई बाहर जाती भी बॉल है, तू कप्तान है। अच्छा 57 रन की इतनी अच्छी चले, जो भी है 3+ की एवरेज वो देखे, स्टार जब फायर निकाल रहा था यहां से छक्का मारना रिजवान हैदर स्टार को इस मौसम में इस मूड में ये सैम अयूब भी कर सकता था, अच्छा भला खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास जा रहे थे, कीड़े लड़ने शुरू हुए एक के बाद एक, उसको बाबर को देखो। अबे यार तुझे मैं तो खुदा की कसम कभी कभी ना सोच में पड़ जाता हूं कि विराट कोहली कहता होगा यार ये कुत्ते बिल्ले नीले पीले हरे गुलाबी छक्के अठे नैले दैले यार ये भी किंग है तो मेरे नाम के साथ से किंग हटा दो। अबे ओ गधे के बच्चों दुनिया क्रिकेट में आज तो हर कोई किंग किंग कर रहा है, वो फॉर्म में वापस आ गया, कल तक पड़े हुए लोगों के हमारे पास, तो विराट कोहली एक ही है, उस जैसा ना था ना है ना होगा। ट्रेविस हेड आउट कर रहा है, एक पार्ट टाइमर भी नहीं जो साल में कभी एक आध ओवर करता हो वो आपके बाबर को। हम कल कह रहे थे मोमेंट ऑफ शेयर मैडनेस, अंडे पे 6 कहां आउट होते हैं, तो ले भाई जान आपके अंडे पे 3 आउट हो गए, 67 पे 5, 67 पे 6, 67 पे 7, और बताएं कोई हुक्म है हमारे लिए? थर्ड क्लास नैले छक्के ये क्रिकेट खेलने आए हैं। अबे तुम्हें आप देखे एक छक्का 2 या 3 बाउंड्रियां टोटल आपके 67 में, मुझे ये बताएं कोई भी रिजवान हैदर क्रिकेट जो है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेटरों की मिराज नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वालों की मिराज नहीं है। हर्षा भोगले ने कोई टेस्ट नहीं खेला, कोई वनडे नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला, जितनी उसको समझ है मैं नहीं समझता बड़े बड़े नन्हे खानों को। कोई गधे का बच्चा अगर ड्रेसिंग रूम में बैठा होता, कोई गधे का बच्चा जिसको इतनी सी क्रिकेट पता होती, वो आउट हुआ सैम अयूब वो फौरन रिजवान को भेजता कि जा भाई तू और बाबर आजम खेलो, उठा के भेज दिया जिसको फास्ट बॉलिंग जिसकी टांगे नहीं दिमाग भी कांपता है। साउथ शकील इतना हमने बातें की, लोग आते हैं मुंह उठा के बस सिर्फ मेरे को याद दिलाए, आपने 1875 में यह कहा था साउथ शकील को वहां भेजना सबसे बड़ी गलती, एक नंबर टू साजिद खान को भेज दिया। अबे गधे के बच्चों ना मकूलो ना हंजारो क्रिकेटिंग इलिटरेट्स सालो, तुम लोग बैठ के पाकिस्तान में पाकिस्तान के नाम पे दबाओ, कर्ज तुम हो, टेक्नोलॉजी कर्ज नहीं है, साजिद खान को भेज दिया। बोलो वो देखे एक इनिंग में मुझे कोई एक प्लेयर बता दे पाकिस्तान का एक प्लेयर जो एक इनिंग में चले। अब वो फ्लूक आ गया दूसरे टेस्ट में मेलबर्न में शानू द किंग 60 और 50 आसमान में पहुंचा दिया, ये बताएं एक प्लेयर बताएं जो एक इनिंग में कुछ करे। ये देखे अब्दुल्ला शफीक, मैंने आपसे रिजवान हैदर इस सीरीज से पहले कहा था इसका बड़ा बड़ा टेस्ट होगा इसकी टेक्निक का ऑस्ट्रेलिया में, 150 के ऊपर का स्कोर है, अंडे 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 माना या 40 रुपए का अंडा ऑस्ट्रेलिया में, एक से भड़के एक है। अब जेड़ा कपो ही लाल है जिसकी बात करें वो ही शर्मिंदगी से भर सारे कपी देने ए लाली ने ए हराम बोल ने जिन्हें ए तुसे क्रिकेट ही चवाड़े आया, एक जिस जिस की भी बात करें उस उसकी परफॉर्मेंस भी एक से भड़के एक, एक से भड़के एक। बाबर से मैंने इसलिए शुरू किया तो चलो जी बाबर पे कप्तानी का बड़ा ही प्रेशर था और बाबर आजम से जी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अंडर प्रेशर है, टीम हार रही है और इसलिए खुद भी कुछ नहीं, टीम भी इसलिए हार रही थी क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर रहा था। एशिया कप में 150 नेपाल के खिलाफ बस वही, और यहाँ पे 6 बारियों में 150 नहीं हुआ मिल मिला के, कहाँ नेपाल के खिलाफ 150 करवा लो,
और इसलिए बाबर आजम से मैंने गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगाज किया कि पिछले मैच में भी इससे ये हीरो बन सकता था, 40 से तो कोई मैच नहीं जीता, पिछले मैच में भी 80-90 कर देता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, वो भी गया, इस मैच में भी इससे 50-60 रन ही चाहिए थे। कौन सा इसे कह रहे थे कि हम तू भाई डबल सेंचुरी मारते हैं यहाँ पे, कौन सी डबल सेंचुरी तुमसे मांग रहे थे भाई, इतना नाम है जी बाबर आजम ये वो कवर ड्राइव, अचार डालना है 2-4 कवर ड्राइवों का, एक आधी मार के भी क्या फायदा, तुमसे तो ज्यादा रन तो वो नंबर 9 पे जो बैटिंग करने आ रहा है आमिर जमाल वो कर गया, वो ज्यादा रन कर गया तुमसे, तुम किस मर्ज की दवा भाई, कब रन करोगे तुम, ना कप्तानी का प्रेशर है ना कुछ और कोई प्रेशर अपना, और ये फील्ड में ड्रामेबाजियां करवा लो, वो उसको गेंद लगी है मिच मार्श को, उसके सामने जाके ऐसे ऐसे उंगलियां कर रहा है दो तीन, ये ड्रामेबाजियां नहीं चाहिए हमें, हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए, ये परफॉर्मेंस तुम दो अपने से, बल्ले से परफॉर्मेंस दो, कोई नहीं बिल्कुल बेशर्मों की वाली परफॉर्मेंस दिखा के एक से एक बड़े हुए, साउथ शकील जनाब इतने हजार रन हो गए, फास्टेस्ट रन ये वो, ये इस पिच में ये स्पिनर्स के खिलाफ जी बहुत अच्छा खेलता है वो, तो अभी अभी स्पिनर्स के खिलाफ खेलना था, 16वीं गेंद पे जाके सिंगल लिया है। जब तुम लोग इतने बॉकडाउन हो जाओगे, बिल्कुल रन उन्होंने सुखा के रख लिए, ये हालांकि वो बच्चा डेब्यूटेंट इतना अच्छा खेल रहा था, ही वॉज लुकिंग टू स्कोर रन, बाबर आजम तो क्लूलेस, ऑफ स्पिन के सामने इससे रन नहीं होते, लेफ्ट आर्म कोई स्पिनर आ जाए वो परबाद जसूरिया श्रीलंका वाला वो इसे खा जाता है, मतलब 6-7 दफा उसने आउट किया है, वो केशव महाराज साउथ अफ्रीका वाला वो इसे आउट कर देता है, ऑफ स्पिन से ये आउट हो रहा है, मतलब तेजुल इस्लाम इसे आउट कर देता है, तेजुल इस्लाम के सामने मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तुम ढेर हो जाते हो, ऑफ स्पिन के सामने तुम ढेर हो जाते हो, फास्ट बॉलर्स तुम्हारे बल्ले और पैड के बीच में से अभी गैप ढूंढ ढूंढ के डंडे उड़ा रहे हैं, तो भाई तुम किस मर्ज की दुआ हो यार, मतलब कब रन करोगे, कहां रन करोगे, टीम को जब जरूरत है तो आपका, अगर तुम बैट्समैन हो मुल्क के तो तुम कब स्टेप अप करोगे यार, अभी मतलब जाके T20 में भी थोड़े से रन कर लेना बस जी ठीक है, फिर लोग और वो जो अंदर भाई से T20 में रेस्ट कराएं, मैं आपसे कह रहा हूं इसे रेस्ट कराएं T20 से, जाके ऑस्ट्रेलिया में इनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, जाके मीनिंगलेस T20 में जाके वहां पे एक आधी 50 कर देगा बस फैन शुरू हो जाएंगे, वाजी वाह किंग इज बैक, बाबर इज बैक, और ये बैक बब्जी द बैक, बब्जी कर देगा, बब्जी है, इतनी मेहनत कर कर आके इस वीक बॉलिंग लाइनअप ने आपको 14 रन की लीड दे दी है, और तुम बेशर्मो उसमें 200 ऐड कर दो, कुछ 225 तो बोर्ड पे डालो, और कुछ तो कुछ हो, मतलब पहले मैच में भी तुम 89 पे आउट हो गए हो पूरी टीम, एक दफा एक सीरीज में 9 रन पे आपकी 5 विकेट गिरी है, 9 रन पे 9 रन पे 5 विकेट ये गिरा रहे हैं, 9 रन पे 5 विकेट, तो ये जनाब एक से बढ़ के एक शाहकार है हमारे पास, बाबर आजम 21 की एवरेज से रन्स तो कोई भी कर लेगा 21 की रन्स की एवरेज, और ये जनाब इतने तीसरा टूर है इसका, बाकी जितने सारे बच्चे गए हुए किसी का पहला किसी का दूसरा, तो अच्छा था मैं इनिंग डिफीट होती, मिचेल मार्श करता कोई 150, वो कैरी करता कोई 70-80, इनिंग डिफीट होती, हराम बोलों को इनको गली में इनके गले में पट्टा डाल के ना इनको रगड़ा जाए, ये जो पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं, पहला टूर है उसका, लुक एट द वे ही इज शोइंग ग्रिट एंड हंगर टू परफॉर्म, बाकी सारे बच्चों का पहला है, ये तो एक नाम भी है इसका दुनिया में, चलो जितने भी थोड़े बहुत कुछ बोलते हैं, और इसका तीसरा टूर है ये, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग के भाई ही वुड बी स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स दिस टाइम अराउंड, कोई नहीं, ना कोई कप्तानी का प्रेशर है ना कुछ है भाई, तुम्हारे बल्ले से तुमसे रन नहीं हो रहे, तीसरी दफा तुम ऑस्ट्रेलिया गए हो तो 21 की एवरेज से रन करके 126 रन किए मौसम में 6 इनिंगों में 126, और 21 की एवरेज से मैं कह रहा हूं ना, 21 की एवरेज से रन किए हैं इसने, और ये इसका तीसरा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये तो कमाल कर दिया, बाकी कोई कुछ भी करता लेकिन ही शुड हैव बीन द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ पाकिस्तान ऑफ दिस सीरीज, ये आमिर जमाल से ज्यादा रन नहीं कर पा रहा, आमिर जमाल इससे ज्यादा रन कर गया, और कितनी शर्म की बात है, 18 विकेट, आमिर जमाल वसीम अकरम के बाद दूसरा बन गया जिसने 5 विकेट या 50 किए, वसीम अकरम 1990 के बाद के पाकिस्तान को कोई दूसरा मिला ऑलराउंडर जिसने 5 विकेट और 50 रन किए 1990 के बाद, कितने साल का वेट है,
34 years के बाद किसी ने ऐसा किया, एक ही प्लेयर रिजवान हैदर अगर मेरे हाथ में हो तो एक प्लेयर है जो खेलने आया, बाकी सब गोल्ड टोपे लेके टोपे घुमा रहे हैं और पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं। इन बेगारतों से बर्दाश्त नहीं होता कि गिलक्रिस्ट या बाकी तारीफ करें हमारी, इन हराम खोरों से नहीं बर्दाश्त होता। अब चलो जी, दो जल्दी आउट हो गए हमारे, वो बच्चे ने थोड़ा काउंटर अटैक किया, थोड़ा सा प्रेशर हटा, चलो एक आधी बाउंड्री इसने भी मारी बाबर ने, कुछ सिंगल डबल आना शुरू हुए, उसने पॉइंट पे छक्का मारा उसको स्टार को, फिर चौका भी मारा, फिर पुल किया उसने एक चौका उसको भी कमिंस को भी मारा, तो प्रेशर कहीं ना कहीं हट गया। जैसे ही स्पिनर आए हैं बिल्कुल बकरी बन गए और उसमें ज्यादा फॉल्ट है बाबर आजम का, भाई ऑफ स्पिन बॉलर है तो वो चलो लेफ्टी है, पहला उसका मैच है तो थोड़ा तुम उसको कॉन्फिडेंस दो, तुम जरा चढ़ के खेलो। एक चौका वो नथन लाइन शुरू में आया, पहले दूसरे ओवर में उसकी लाइन सीधी नहीं हो रही थी, ओवर पिच उसने बॉल करा दिया तो एक अच्छा कवर पे चौका मार दिया, बाकी बिल्कुल शैल में चला गया कि ऐसे लग रहा था कि भाई अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ, इस गेंद पे आउट हुआ कि इस गेंद पे आउट हुआ। तो स्पिनर्स के खिलाफ ना ये कोई इनोवेशन नहीं है इनके पास, ना कोई स्वीप शॉट है, बाबर आजम के पास कोई स्वीप शॉट नहीं, ना ये रिवर्स स्वीप खेलते, ना स्वीप सीधा कन्वेंशनल सीधा बल्ले बल्ले से, समटाइम्स यू नीड टू हैव दीज शॉट्स। अब वो भाई कितनी को तुम डॉट खेल लोगे, एक आधा आएगा आपका एज, एक रिव्यू भी खैर उनका जाया हुआ, एक एज निकल जाएगा, या पैड पे गेंद खा लोगे, या पैड से बैट पैड करके हवा में खड़ी कर दोगे, क्लोज इन फील्डर कैच पकड़ लेगा शॉर्ट लेग वाला, तुम कितना टुक टुक कर लोगे, कोई थोड़े से अगर रन करोगे तो फिर ही कोई बात बनेंगे ना। पहले इनिंग्स में नथन लाइन को जिस तरह खेला है, और खास करके वो बच्चा जो आमिर जमाल खेला है, नथन लाइन के सर पे बाल नहीं है फिर भी वो ऐसे ऐसे खुजा रहा था, ये क्या हो रहा है भाई, तुमने थोड़ा सा तुम्हें अटैक करना पड़ता वरना तो तुम्हें वो खा जाएंगे, और वो खा गए तुम्हें, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल खुद में घुस गए चूहों की तरह। जैसे स्पिनर आए हैं वो पहला ओवर मेडन खेल दिया जी, उसका भी हेड का, मेडन का मसला नहीं है, लेकिन अगर सारी गेंदें आपके बल्ले के मिडल पे आ रही है तो फिर ठीक है, मतलब अगर आधी प्ले एंड मिस हो रही है तो क्या फायदा। तो ये जनाब इनकी अप्रोच है, और 29 साल का जो इंतजार है वो और भी आगे बढ़ गया, और अब पता नहीं ये जब भी 2-4 साल बाद जब जाएंगे तो पूरी एक जनरेशन जवान हो जाती है, और ये एक मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सके, और ये मुकाबले करते हैं दूसरों से, और पिछले मैच में भी थोड़ी सी होप मिली, और इस मैच में भी जब से ये बैटिंग करने आए हैं उससे पहले हाउ डिलाइटेड वी वर कि यार आउट ऑफ नोवेयर दे हैव टेकन 14 रन्स लीड, ऐसा लग रहा था कि ये 25-30 रन्स तो ऊपर दे देंगे, इतनी सी छोटी सी बात पे मतलब हम इतने खुश हो गए यार चलो कुछ ना कुछ तो अब यहाँ से करेंगे, अगर 200 भी कर लें तो 225 भी यहाँ पे करते करते जरा ऑस्ट्रेलिया को मजा आ जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बाबर आजम पर मैं ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट उम्मीद थी, उससे अच्छा रिजवान है तीनों फॉर्मेट में रन करता है, जब टीम को जरूरत होती है रन करता है, वो बैंक गरम करता और अभी भी और वो बैंक गरम करता है क्योंकि कराची की माफिया जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, वो बैंक गरम करता है। बाबर आजम को इस सीरीज में आना नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। मैं ये देखे हर कोई विराट कोहली नहीं होता दिमागी तौर पर इतना स्ट्रांग हो जिसका बोर्ड उसको तुन रहा, बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल ही नहीं था, सारे तीन देखे जो भी तो कप्तान नहीं है ना, आप तो बल्ला है ना, आप तो बैट्समैन, सुन लेना सुन ले शान मसूद जो भी है मेंटालिटी तो आई, जितने भी डिक्टेटरशिप अफीज दिखा रहा है कम से कम एक फाइट तो आई, चले खुद कुछ भी नहीं करा लेकिन कम से कम टीम तो लड़ रही है, एक छांगा मांगा बॉलरों से एक सारों का डेब्यू है, देखो उधर खुर्रम शहजाद का डेब्यू था, हमीर हमजा की वापसी हो रही है, आमिर जमाल का डेब्यू था, तो आप ये माने या साजिद खान कभी खेले ही नहीं, वो बेचारे को इतने अरसे बाद वापस लाए हैं, मुछे तो दिलवा दे उससे, बात ये फाइट नजर आई है कुछ तो नजर आया, ये बाबर आजम है जिसने 3.5 साल ये इमामो ये इसने आस्तीन में सपोले पाले, सपोले नाग बने, इन नागों ने पूरे पाकिस्तान को डसा, और जिम्मेदार है बाबर आजम, जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिम्मेदार है ये क्या नाम है ये एहसान मानी ये रमीज राजा और
और इन सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये हैं जिनके हाथ में बल्ला है और जो वहां पे बैटिंग कर रहे हैं। इंदर सैनी कह रहे हैं सऊद और अब्दुल्ला वॉकिंग विकेट इन दिस मैच। देखिये अब्दुल्ला पहले इनिंग में तो बहुत ही गंदा मतलब आउट हुआ है, इस इनिंग में आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, बहुत बहुत गेंद अंदर आया है और शायद कोई और भी बैट्समैन होता तो डंडे उड़ जाते। लेकिन ये जो साउथ शकील है वो इसी कैटेगरी में है, जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है, फास्टेस्ट 1000 रन हो गए हैं लेस इनिंग्स में, किसी इनिंग्स में भी 20 से कम नहीं किए, वो रिकॉर्ड भी फारग हो गया जी। 20 का क्या फायदा यार, वो एंड पे 20 भी आना बंद हो गए, वो 20 भी आना बंद हो गए जी साउथ शकील साहब के। हेजलवुड पे कभी बोल्ड हो रहा है, बोल्ड हो गए गेंद लग गई है डंडों पे, फिर बल्ला कभी नीचे आ रहा है, कभी स्पिनर से कभी क्या डबल माइंडेड क्या खेल रहा है वो। हेजलवुड ने जो उस दिन बोल्ड किया वो ही वाज जस्ट थिंकिंग क्या करूं, खेलूं छोड़ूं, उसी सोच में वो डंडे उड़ गए पीछे से। दूसरी मैंने बाबर को इसलिए पहला बोला उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वरना ये साउथ शकील ने भी जो डिसअपॉइंट किया ना, इसने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इससे काफी उम्मीद थी कि ये अच्छा करेगा जाके वहां पे, इसने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और ये जी स्वीप शॉट बड़ा अच्छा खेलता है एंड दिस एंड दैट, आज मतलब 16वीं गेंद पे जाके सिंगल किया। भाई तू स्पिनर है, कोई खेल एक आदि कोई स्वीप कोई मार चौका चौका कोई लाइन लेंथ उनकी ज्यादा थोड़ी डिस्टर्ब हो, जब तुम लोग रन नहीं करोगे तो वो तो तुम्हें खा जाएंगे उधर ही। अजीब किस्म की परफॉर्मेंस है यार इनकी। रिज ब्रो आपने ही बाबर को बेस्ट बैट्समैन बोला था, तो जी जब अच्छे रन कर रहा था तो पाकिस्तान का तो बेस्ट बैट्समैन, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन, तो मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप उठा के देख लें। लेकिन ये पिछले 1.5 साल में जो इसने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है वो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अब अगर आज वो बुरा कर रहा है तो आप बोलें जी रिजवान भाई आपने 1.5 साल पहले बोला था या 2 साल पहले बोला था, तो इट डजंट मेक सेंस। पिछले आप 1 साल में बताएं कि मैंने कब बोला कि जी बाबर आजम से कोई उम्मीद ही है खाली, इसने किया तो कुछ नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं पिछला T20 वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया, एशिया कप कुछ नहीं किया, और पूरा वर्ल्ड कप में इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो अगर 2 साल पहले बोला कि जी बेस्ट है तो अभी आप उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मोहम्मद मौजम कह रहे जना कांट प्ले सीधी बॉल, नो मूवमेंट ऑफ द विकेट जी। बस जी जब आप दिमागी तौर पे परेशान होंगे ना, जब दिमागी तौर पे डर जाएंगे तो फिर सीधी बॉल भी आपको घूमती हुई नजर आएगी। अच्छा जी स्टुअर्ट लिटिल जी कह रहे हैं इंडिया की भी 0 पे 6 आउट हो गए थे, डोंट बी क्रिटिकल बिलीव। तो इंडिया ने मैच जीत लिया था, आप ये मैच जीत जाएंगे हम भी चुप हो जाएंगे। इंडिया तो मैच जीत गया और इंडिया ने उनको 55 पे भी आउट किया हुआ था। जब आपने अगली टीम को 55 पे आउट किया हो तो चलो आपकी इस तरह कोलैप्स हो जाए और फिर भी आप मैच जीत जाए तो बात ठीक है। ये इंडिया 0 पे 6 आउट हुए, ये 0 पे 8 आउट हो जाए, मैच जीत जाए तो बस ठीक है, हमें कोई इंडिया की 98 रन की लीड भी थी, सारे आउट हो जाएं। इंडिया की 98 रन की लीड भी थी, हमारी सिर्फ 14 रन की, वो भी आमिर जमाल की जूतियां साफ करें तो जिसने ये किया उसकी जूतियों में पानिया पिए, वरना आप तो बड़े हुए थे सारे। जगदीप सैनी कहें जनाब ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए इनकी आंख में आंख डाल के इनको डराना पड़ता है। यार साइम वाज प्लेइंग लाइक दैट रियली डिसअपॉइंटेड, ये क्या था, बाबर शुड बी रेस्टेड। जी आंखों में आंखें डाल के तो हराना पड़ता है, लेकिन अब आंखों में आंखें डालने तो तभी है कि जब आप कोई खाली घोरियां डालने से तो नहीं होगा, इधर डंडे उड़ रहे हैं बोल्ड हो रहे हैं कुछ 50-60 पे। सैम को भी जो है ना अंडरकवर हुआ है बाबर की वजह से, बाबर की थर्ड क्लास ना मकूल ना हंजार किस्म की, ऐसे बीट हो रहा था जैसे कोई गली मल्ले का बच्चा कोई वो नाइट वॉच मैन भेज दिया, सैम अय्यूब उसके प्रेशर में आया, वरना सैम बहुत अच्छा खेल रहा था। तो आंखों में आंखें तो तब डलती हैं जगदीप सैनी भाई कि जब कोई स्किल सेट भी कोई आप थोड़ा फाइट भी करें, जब आप 89 पे एक मैच में पूरे आउट हो जाए, यहाँ पे आप 5 आउट हो गए 9 रन पे, तो फिर आंखों में आंखें क्या मिलानी है, फिर तो आंखें नीचे करके बाहर जाना। आंखों में आंखें हमारे बस की बात ही नहीं है, हम अपनी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। बाबर नु शर्म आनी चाहिए थी फ्लॉप है, एब्सोल्युटली जी शर्म आनी चाहिए थी, बहुत ही शर्म का मुकाम है, बिल्कुल जी बहुत ही उसने शर्म तो भी बढ़िया कोई गाल करनी चाहिए थी, शर्म तो छोटा वर्ड है, शर्म तो डूब मरना चाहिए था चिल्लू पर पानी च। ग्रेट प्लेयर्स कम
alive when the situation needs it. I totally officially declare him as the out of the top 10. Forget about being the world number one. Rez aur Ajmal only hope. Jamal. Hope to ji badh gayi hai. Program to badh gaya. Ab white wash jo hai wo ab Rizwan aur agar Jamal koi 50 60 ki bhi partnership kare Rizwan Aidar ye 150 run jo honge na ye 150 run bhi bada kamal hoga chahe Australia hi hai Amir Jamal will breathe fire to agar ye kisi tarah 60 70 ki partnership aa jaye jo maza aa jaye Rizwan hamesha bichara mulk ke liye khelta hai और मुल्क वाले ही उसके पीछे पड़े रहते हैं मुसल्ला में दुआएं मांगते हैं टुनकी सरकारें दुआएं मांगते हैं जो टुन रहते हैं हर वक्त कि ये आउट हो जाए हमें बॉडी और हड्डी मिलती रहे लानत है ऐसी सोच पे चलो अगर 150 भी कर लिया बट ये केप टाउन वाली पिच तो है नहीं हाँ स्लो पिच है स्पिनर्स दे विल कम लेकिन आप देखिए हमारा वो जो मेन स्पिनर डाला है वो मूछों वाली पहलवान वो उसको अखाड़े में डालें कोई कबड्डी शबड्डी खेले वो शक्ल से भी ऐसे ही लगता है कोई गैंगस्टर टाइप उसकी गेंद में देखें और नथन लॉयन की गेंद में देखें वो हेड की गेंद में देखें आपने जो अपनी टीम में आगा सलमान है ऐसा लग रहा था जी वो मेन आपका स्पिनर है वो जो पार्ट टाइमर है वो जो आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर है उससे कई दर्जे अच्छी बॉलिंग करके गया है He was looking way more dangerous than this guy Sajid. वो खाली मतलब एक विकेट किसी तरीके से आ गया है और टिंड पे चुम्मियां कर रहा है उसका जनाब सलमान आगा वो कह रहा जी इधर आ मैं तेरी टिंड पे चुम्मी करूं तेरी वजह से लोग मुझे कह रहे हैं कि जी वाह तो दोनों ने चुम्मियां की और दोनों अंडे पे निकल गए एक दूसरे की चुम्मियां लेते रह गए और अंडे अंडे खा के निकल लिए तो पिच डिफिकल्ट है बट आई डाउट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो 125-150 पे इनको लिटा दे इनको 200 के पार जाना ही जाना था और कोई मौजा चमत्कार हो जाए तो फिर ही कोई बात है कि 200 के पार ये पहुंच जाए तो वरना वाइट वॉश और जो इंतजार है वो 29 साल से और आगे जाएगा जाहिर है कि अब तो नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तान जाएगा तो 32-33 साल हो चुके होंगे सौरभ कुमार कहने जना भाई मैंने पहले ही बोला था कि फील्डिंग का बेड़ा के बाद इतना फटीग हो जाता है कि बॉल ही नहीं दिख रही लास्ट सेशन भी नहीं निकाल सकते रुक के लास्ट सेशन क्या दो ओवर आखिरी एंड पे नहीं ये रोक सके दो ओवर की बात थी कि चलो चार अभी भी चार आउट होते और टोटल जो 80-82 जो जितनी भी लीड है तो चार आउट के साथ कुछ उम्मीद तो रहती यार चलो चार आउट है आखिरी दो ओवर ये नहीं निकाल सके और सेकेंड लास्ट ओवर में तीन एक ओवर में फड़क गई हेजलवुड ने तीन ले गया बस कहानी उधर से इतनी तो इनमें गेम अवेयरनेस का ये लेवल है इनका दिस इज देयर गेम अवेयरनेस दैट ओनली लास्ट 10-12 डिलीवरीज आर लेफ्ट और फिर डे एंड हो जाएगा कल आना दोबारा सोच समझ के रेस्ट करके प्लानिंग करके उन्होंने कहा कि जी कल तो जो होगा होगा हम अभी काम पूरा वाड़ की जाए अभी के अभी नहीं ये बाबर आजम ने किया ना ये बाबर आजम की मेरे मुंह से कुछ निकलेगा गधे का की तरह उस हेड की बाल पे आउट हो गया वहां से कोलैप्स हो गया वरना तीन ही आउट होते हैं आपके क्लोजअप प्ले पे पक्ष जी कह रहे हैं जनाब डिवास्टेटेड एट द परफॉर्मेंस आई एम हार्ट ब्रोकन आई वॉज लुकिंग टू गो एंड वॉच द मैच एट द SSG टुमारो आई वॉन्ट नाउ Why do these collapses keep happening? Is this the technical or mental issue or both? Both. Technique flaws तो इनके हैं ही हैं। देखें, याद रखें मेरी बात जब आप highest level पे खेलते हैं, दुनिया का जितना बड़ी mentor ले जाए, जितना बड़ी मर्ज़े कोच ले जाए, जितना बड़ा तुरम खान ले जाए, वो कील डाल के आपके खोपड़े में और हथौड़ी से नहीं डालेगा, करना आप ही नहीं होगा। ये mentally, physically दोनों तौर पे बिल्कुल फर्क है और सबसे बड़ी बात यह है बदकिस्मती है क्लेम हम करते हैं हम वर्ल्ड नंबर वन है हम वर्ल्ड चैंपियन है हम चैंपियंस ट्रॉफी के विनर है लगाते हम ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे दो गिट का जो टीवी में बैठ के टीवी तोड़ रहा था उस हाईली इनएक्सपीरियंस भाई आप एडम ओलिया को लगा दिया अब वहां पे मैथ्यू एडन वगैरह थे और भाई रवि शास्त्री को ही रोक लेते कि जनाब किबला और काबा हजूर दो दफा आपने आपके
मत्था टेके आपके सामने हम, आपके चरणों को स्पर्श छुए आपके, आप हमें कुछ बता दे, वो बता देना आपने भेज दिया ये क्या कहते हैं लाउड माउथ जिनको पता सालों को छनकड़ेगा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम में सिवाय इंडिया के वो किसी को नहीं छोड़ता, कई दफा इंडिया को भी टक्कर दे रहा होता है। तो भाई हम तो किसी बात की मूली नहीं, आपने उठा के ये शेर बब्बर के आगे चूजे डाल दिए उन्हें कि चमाट में आपको देखे। रिजवान साहब फाइट हुई मान लिया, रिजवान साहब रिजल्ट हमेशा यही आता है, तो इस दफा हमने हम इस पे ही खुश हो कि हमने फाइट की, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी आप यू आर वेरी क्लोज एट पिंडी एट मुल्तान, तो क्या करें हार तो गए ना, एट द एंड ऑफ द डे वी लूज, आज भी यही हो रहा है, लानत है ऐसी क्रिकेट पे। पर सब आपने अपना नाम नहीं लिखा, बट आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट विद योर फीलिंग्स एंड विद योर इमोशंस। अब मैच जब यहाँ शुरू होता है ना रात के 12 बजते हैं इधर इंग्लैंड में, तो पूरी रात जाग के इनका मैच देखो, एक एक गेंद पे कभी कोई विकेट आ जाए, जब इनकी जब ये विकेट ले लें तो खुश हो जाओ, फिर इंतजार करो चलो जी अब अच्छा कर लिया बॉलिंग में गुजारा कर लिया, बैटिंग आएगी, बैटिंग में भी एक आधा चौका लग जाए तो खुश, वो छक्का मारा बच्चे ने, आई वॉज सो डिलाइटेड यार के इसने अपना बल्ला रोका नहीं, गंदा शॉट था तो इसने पूरा वो कवर के ऊपर से पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा, कमाल कर दिया। बस ये छोटी छोटी खुशियां ही हमारी किस्मत में है कि एक आधी अच्छी विकेट ले ली, एक दो अच्छे चौके मार दिए, मैच जीतना हमारे बस की बात नहीं है। और आप बहुत एक्साइटेड थे, देखें कोई थोड़ी सी भी इनमें कॉमन सेंस होती ना तो बहुत ही शानदार डे फोर इस मैच को डिसाइड कर सकता था, डे फोर बहुत शानदार सेटअप हो सकता था, थोड़ी सी भी इनमें गेम अवेयरनेस होती, अगर ये अभी चलो 3-4 भी आउट होते तो फिर भी मैच में ये पूरी तरह से बाहर ना होते, अब तो वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के ऑस्ट्रेलिया ने ठा करके बाहर फेंक दिया कि तुम लोग बीच बीच में कैसे मतलब हमें मुकाबला कर रहे हो, हमने तुम लोगों को 16 मैच हराए हैं, पिछले मैच में भी तुम बहुत कमांडिंग पोजीशन में थे लेकिन हमने तुम्हारा जो हाल किया आपके सामने ही है, तो तुम लोगों ने कैसे, हाउ यू डेयर टू टेक 14 रन्स लीड, सो वी विल टेल यू नाउ हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये हम आपकी तरह के लोग, हमारी तरह के लोग, ये पैशनेट क्रिकेट लवर्स जो हैं आधी आधी रात को पूरी पूरी रात जाग जाग के अपनी नींदें खराब करके तो ये रिजल्ट मिलता है जी। तो आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो भाई अब बस ये कि जादू की जफ्फी डाल सकते हैं आपको, और तो हम क्या करें। अब्दुल्ला साउंड प्लेयर कहा गया इसकी क्लास, बस जी वो स्टार खा गया क्लास। रिजवान साहब के चैनल पे पढ़ा शो, मैंने कहा था इसकी टेक्निक का टेस्ट देखना आप ऑस्ट्रेलिया में। अमन चट्टा कह रहे हैं जनाब रिजवान भाई आपकी आवाज घट रही, यार मैं थोड़ा आहिस्ता खुद ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, लोग सोए हुए हैं तो घर साथ साथ होते हैं, मैं बहुत ऊंचा चीख चीख के नहीं। और ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंग्लिस्तान है, तो थोड़ा सा मतलब तो गुजारा करें अगर आपको समझ आ रही है, इतना भी खैर मैं आहिस्ता नहीं बोल रहा, मैं वैसे भी आमतौर पे इसी तरह ही बोलता हूँ, वो मोहसिन भाई जरा लाउड बोलते हैं। जनरली फीलिंग फॉर जमाल मैन, एब्सोल्युटली जी मोहसिन अली साहब, देयर इज अ गाय रिजवान और जमाल, दे आर ट्राइंग टू गिव देयर एवरीथिंग, लेकिन बाकी और जो है वो सारे बेशर्मी की अलामत बने पड़े हैं। मजे की बात ये है वो कराची के नहीं है ना, अगर वो कराची के होते तो पाकिस्तान में इस वक्त जो जापान में सुनामी आया तो कुछ भी नहीं था, या 2000 मैग्नीट्यूड का सुनामी आया हुआ था, ऐसे गटर है, ऐसे नाली के कीड़े हैं जो मुल्क खेलने गया और डिवाइड करते हैं उसको भी। रिजवान साहब दो ही मैंने आपको कहा है, या आमिर जमाल है या रिजवान है, बाकी तो सारे हनीमून मनाने गए हुए मुल्क और को, और आके देखना आप कितने बड़े बड़े टेढ़े मुंह बनाएगा और मुल्क को फुदू लगाएंगे। ये खेलना ही नहीं था तो जीतना ही नहीं चाहते ये लोग, भाई जीतना तो चाहते हैं लेकिन क्यों है पाकिस्तान। भट्टाचार्य सब कह रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी, means Australia will not give you the chance every time, it was very much Pakistan's game, just threw it. True.
14 रन की पाकिस्तान ने लीड ली है तो वहां से पाकिस्तान की गेम तो नहीं बनी, लेकिन हम इवनली पॉइज थे, बल्कि एक स्टेप आगे थे उनसे। लेकिन एक स्टेप आगे थे ऑस्ट्रेलिया ने, तो वही ना, उन्होंने कहा कि हाउ यू डेयर टू टेक 40 रन लीड, भाई ये कैसे हो गया। तो अभी हम तुमको बताते हैं कि तुम कहां पे खड़े हो, हम कहां पे खड़े हुए। बीच बीच में कुछ कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर ऐसी कोई घटिया चवल मारते हैं कि बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये हुआ क्या, ये क्या किया इन्होंने। इतनी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के बॉलर्स अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, पूरा मतलब जोर लगा रहे हैं। अभी एक वो जो आमिर जमाल की बात की है, पूरे दिल से बंदा बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, तुम लोगों को एक फाइटिंग टोटल पे ले गया है, 300 के पार करवा दिया है, फिर भी मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आई। नंबर 9 वाला तुम्हारे लिए 82 रन करके जा रहा है पहली इनिंग में, और तुम ऊपर के जो सारे हो मिलके भी 82 नहीं कर रहे, बेशर्मो। वो अकेला 82 कर गया, तुम मैंने कल कह दिया था कि पाकिस्तान जो है ना थोड़ा सा आगे, आप सही कह रहे थे, मैं ही बेवकूफ था कि मैंने ये कह दिया। 14 रन की लीड कोई कम लीड नहीं थी, 197 उनका अपना घर, इजी पिच, 8 विकेटें हाथ में, फिर भी ये कह के गलती कर दी। मैं मानता हूं कि मैं गलत था, ये इसका भी 14 रन की लीड बहुत बड़ी लीड है। अगर आप सोचे कि जनाब ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में 14 रन की लीड पाकिस्तान ले गया, 10 रन पे हमने 5 आउट उनके कर दिए, 5, और जिसमें 50 करने वाला मिचेल मार्श भी मौजूद था। ये देखे, ये साइकोलॉजिकल बड़ा एडवांटेज था 14 रन की लीड, साइकोलॉजिकल। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे कि भाई मैच जीत गए, क्योंकि यार मैच जीत गए ना, एक टीम देखे दे वर एट द टचिंग डिस्टेंस, आते ही चौका मारा मिचेल मार्श ने, दे वर जस्ट नॉकिंग एट द डोर। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से इतना हारे हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं हो रहा यार, हमने ऑस्ट्रेलिया से लीड ले ली है, ऑस्ट्रेलिया से लीड। तो लोग एक दूसरे को कह रहे हैं वाह वाह यार, कमाल हो गया, मीम्स शेयर हो रही हैं भाई, कि ये तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया से हमने लीड ले ली। लेकिन अगले ही लम्हे इन्होंने कमाल कर दिया। तो जी बात आपकी ठीक है भट्टाचार्य सर, एज अ क्रिकेट फैन भी आप कंपेटिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं, इस तरह के जो कोलैप्स हैं ये हमारे लिए तो जाहिर है दिल हमारा टूटता ही है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन भी कहते हैं यार क्या घटिया परफॉर्मेंस है यार, वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी वो भाई यहाँ पे कोई सिंह साहब थे, वो कह रहे पूरी रात में जागता रहा, मैच देखता रहा। अभी टी पे जब हम आए थे यहाँ 11:30 बजे यूके के टाइम मैच शुरू हो जाता है, और पूरी रात जागते रहो, सुबह 6-7 बजे मैच खत्म होता है। तो ये जनाब इनकी परफॉर्मेंस है। वी ऑल थॉट विदाउट कैप्टनसी बाबर विल pile heaps of runs and this series, but he is back to square one except in Pakistan where will he score. Ji Anushish Kumar sahab ab jaake ghar mein score karega. Matesh Kalinjana, Pakistan batting turned out to be the weak link. We should appreciate pitches in Australia balanced most of the time, keeps batsmen spin pace in the game. Ji pitches to theek hai, pitches ka koi masla nahi hai, pitches sabke liye even contest ho raha hai. Aur baki jo aapki baat hai जी, हम यही सोचते रहे कि पाकिस्तान की बॉलिंग में दम नहीं है 20 विकेट लेने का, तो वो पिछले मैच में भी 20 विकेट ले गए, वो इस मैच में भी अभी लीड ले गए, एक ही इनिंग हुई है, जो बैटिंग है वो ही घटिया तरीन है और फील्डिंग उसके साथ साथ। सर स्मिथ मार्श लभूषण ख्वाजा ने मिनिमम 15 ओवर खेले हैं, टेस्ट मैच में सेशन खेलना और रन आते रहेंगे, ये पाकिस्तानी बैट्समैन इतनी जल्दी में, यार जल्दी में तो देखें, अब ये जो एंड पे वो बच्चा आउट हुआ है साहिम अयूब, उसके बाद इन्होंने क्या जल्दी दिखाई है, ना रन्स किए हैं ना कोई आउट होने की जल्दी दिखाई है, वो ये कह रहे हैं आउट होने की जल्दी बहुत अच्छे। यहाँ पे बाबर आजम कोई रिवर्स स्वीप पे कोई चौका मारने के चक्कर में आउट हो जाता तो ठीक है जी, बंदा कहता यार चलो ठीक है, मतलब बिल्कुल ही शैल में गए थे या कुछ निकल के चार्ज करने की कोशिश करता, मतलब तुम लोगों ने ना कोई अटैक किया है, आउट भी हो गए। मैं तो कहता हूँ किया ही नहीं इन्होंने, वरना स्पिनर्स को, अब उन्होंने देखा कि ये नथन लॉयन को तो चलो जैसे तैसे ओवर निकाल रहे हैं, वो दूसरे एंड से हेड को ले आया, पहला ओवर ही बाबर आजम मेटर। अगर थोड़ी सी ये अकल का इस्तेमाल करते
कि उसको एक आधा निकल के चौका फेंक देता ऊपर से बड़े दिल का मुजाहरा करके। वो कहता कि भाई यहाँ पे मैं पार्ट टाइमर से डोमिनेट नहीं हूंगा। वो उल्टा पार्ट टाइमर से चावल आउट होके निकल गया बाहर, चावल शॉट खेल के। वहां पे मौका था कि निकल के ट्रैविस हेड को एक आधा मारता ऊपर से चौका यार, ठीक है कि पार्ट टाइमर तुमने मेरे सामने लगा दिया, उल्टा वही आउट करके चला गया। बाबर वन ओनली वन मैन ऑफ द मैच इन 52 मैचेस एंड दैट इज इन कराची रोड इन विद 96 रन्स, बट देयर विद सम बॉलर्स ही मेड 126 रन्स होल सीरीज। जी जी यही बात हो रही है। बाजवा जी कहेंगे पाकिस्तान इज लूजिंग क्रूशियल मोमेंट इन द गेम। हाँ बीच बीच में थोड़ा अच्छा करते हैं फिर पीछे धकेल देता है ऑस्ट्रेलिया इनको, यही है पूरी सीरीज की कहानी। स्टीव हसन अली को भी कोई बताया कि पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन इंजी भाई है, ये बॉब्जी नहीं है, सहवाग माना है ये बात यार, और बेशरम कुछ नहीं है जीतने वाले जी। मल्क साहब कह रहे हैं बाबर आजम इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट, यू प्लीज नाउ आई हैव टू एग्री इट, ही इज द बिगेस्ट बर्डन ऑन द टीम, ओनली रिजवान एंड जमाल शोड इंटेंट इन द होल सीरीज। वेल एट द मोमेंट ही इज लुकिंग लाइक अ बर्डन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे ही शहजादे हैं, बाकी भी आपके एक से बढ़ के एक ही शाहकार हैं। याद तो होना कि सिर्फ बाबर ने ही चलो 20-21 किया, बाकी सबकी एवरेज तगड़ी है। एक भी मैसेज आया शान मसूद के हवाले से, डिड यू सी अ सिंगल मैसेज? शान मसूद बैटर भी था, कप्तानी की तो छोड़े ना, कोई एक मैसेज आपने अभी तक देखा है शान मसूद पे? उसकी तो एवरेज ही 28 की है ना, उस पे लोग क्या यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई शान मसूद बैट्समैन भी खेल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, तो लोग तो उसी पे मैसेज ज्यादा करेंगे ना जिससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। यार रिजवान अदर कप्तान भी तो कोई बला है, कोई बैट्समैन भी तो साला कोई खेल रहा है, एक मैसेज नहीं आया तो अनवांटेडली बाबर आजम इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द प्रॉब्लम। चले ऑस्ट्रेलिया दी रोलन कह रहे हैं जनाब, सीम्स लाइक पाकिस्तान डोंट वांट टू विन लास्ट मैच एंड नाउ दिस मैच, क्या मैच होना था यार कल, अब सीम्स लाइक नॉट मच लेफ्ट। बाबर भाई 50 बना देता बात बन जाती, बाबर भाई 50 बना देता फिर भी बात ना बनती, मैं आपको लिख के देता हूं। बाबर बना देता कोई शान ऊपर से, कोई शान की सबसे जितने भी आज आउट हुए ना सबसे घटिया शॉट शान की थी, इट वाज नथिंग शॉट, एब्सोल्युटली रबिश। पिछली इनिंग में भी दो दफा आउट हुआ इसी तरह स्लिप में, और वो एक नो बॉल थी फिर भी उधर ही आउट हुआ, और अभी भी वो बेवकूफ जाहिल आदमी, मतलब चार पांच स्लिपे लगी हैं, गली शली वहां पे खड़ी है, तो तू भी पतली गली से निकल गया, कोई शॉट नहीं था वो, कोई उसकी बॉडी देखे, मूवमेंट देखे, फिट मूवमेंट देखे, कुछ भी नथिंग, बाहर जाते गेंद को ऐसे बल्ला लगाया ये चलो जी। मतलब ठीक है बंदे को थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन कोई वो अच्छी शॉट तो खेलो, कोई सबसे घटिया शॉट उसकी है आज के दिन की। इंडिया लकी टू हैव पंत, ही डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। जी बिल्कुल जी, आप लकी हैं। नहीं यार पंत के अलावा भी आपके कई बैट्समैन वहां चले। यू कैन नॉट गिव चांस टू ऑस्ट्रेलिया बाय ड्रॉपिंग रेगुलर कैचेस, वेरी डिसअपॉइंटिंग। होप पाकिस्तान गेट्स क्लोज टू 200 टू गेट गुड गेम। अश्विन देव, अल्लाह करे रिजवान और जमाल चले पिछली इनिंग की तरह 88 और 82। रिजवान साहब 88 और 82 का मतलब 170 रन थे, ये 170 रन दोनों मिलके ना बनाए, ये सिर्फ कोई 70-80 रन बना दे मिलके, और 70-80 तो आप देखे मैच कितना बनता है। कोई क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक को कोई 50 करने पड़ेंगे दोनों में से, एक 50 करे और अच्छा हो जाए, थोड़ा बड़ा 50 आ जाए, मतलब 75-80 रन वाला, तो फिर जाके कोई बात बनेगी। लेकिन जो हालात चल रहे हैं अब देखो, इन्होंने तो बहुत पहले मार्श ने और अब हेड बाबर बैटिंग एक्सपोज, ऐसे ही है जी। आप सीरीज विन छोड़ो, मुझे तो ये याद नहीं कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान ने सिंगल टेस्ट मैच कब जीता था। इज नेक्स्ट वेस्ट इंडीज ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट ओनली T20। नहीं श्रीलंका में जाके दो मैच जीते थे अभी इन्होंने, खुलानी साहब पिछले साल। नो होप सो सैड जी। जगराज सिंह साहब सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया इन्होंने, अब हल्की सी एक ब्लीक सा चांस है जो मौसम भाई कह रहे हैं कि अगर ये कोई 70-80 और ऐड कर दें तो फिर कोई शायद
ये पार्टनरशिप 70-80, 70-80 नहीं है पार्टनरशिप। हाँ किंग 11 कह जी, शहीन बंगला लंका और जिम्बाब्वे में ही रेस्ट क्यों नहीं कर, हाँ वहां पे नहीं रेस्ट करनी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेस्ट करनी। अब वो जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं टीम मैनेजमेंट का, साले तू तो कोई मैच बाहर बैठने ही नहीं पसंद करता था, मैं तो ये भी खेलूंगा। असल में ये एक मेंटालिटी का नाम है, मेंटालिटी को माल चाहिए, हर मैच खेलना है मेंटालिटी ने। अब वो ये मैच खेल लेता, हसन अली बाहर बैठ जाता तो शायद कि शाहीन कोई अच्छी कोई आउट कर देता, यू नेवर नो। वो आमिर इससे तो लाख गुना जो है ना आमिर जमाल की इज्जत में इजाफा हुआ है, लोग वाह वाह कर रहे हैं कि भाई 6 आउट भी कर गया, 82 रन भी कर गया, और ये शाहीन शाह अफरीदी वैसे भी 2 मैचों में 8 ही आउट किए हैं, कौन सा इसने कोई बहुत तीर मारे। वो अगला जो है वो 18 आउट कर गया, अभी एक इनिंग बाकी है। वो 8 में भी पिछले पिछले मैच के 4 तो एक इनिंग्स के हैं, 8 में भी 2 मैचों में 8 आउट कर, वरना एक एक इनिंग में एक एक विकेट जो है उसे चाटे, जाके T20 खेल लेना और खुश हो जाना जी, T20 के मैं कप्तान बन के कप्तान। ये जिम्बाब्वे में जाएंगे, इस साल जाना इन्होंने उधर भी देखना, ये कोई मैच नहीं छोड़ते ये छोटी टीमों के खिलाफ, उसी के खिलाफ खेल के तो एवरेज सेट हो जाती है इनकी बॉलिंग की भी और बैटिंग की भी। दिस इज रियलिटी चेक टू ऑल द पीपल हु वर सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग व्हेन जमाल मेड 92 यस्टरडे। जमाल ने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और हमने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ दिया, नहीं तो वो 82 पे हम फिर दुखी हो जाते जी, हम मैच हार जाएंगे, मातम करते फिर। अब सेशन टू सेशन ही बात होती है ना, या तो हमारे पास कोई वो अलादीन का चिराग है कि जो हमें पहले बता देता जी पाकिस्तान के 9 रन पे मतलब 5 आउट हो जाएंगे, तो अगर हमारे पास वो कोई चिराग होता जो हम जादू का जिन निकल के आ जाता बता देता जी पाकिस्तान के तो ये हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान बेशक मैच हार भी जाए, उसके जो 82 और 6 विकेटें हैं वो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है और वो सेलिब्रेट होनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान अगर हार गया, मैच हार गया है या वाइट वॉश हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं इंडिविजुअल उस पर बात ना की जाए, उसके जो 82 रन हैं उस पर मतलब क्या रोना धोना शुरू कर दें, मातम शुरू कर दें उस पर, ये तो बच्चों वाली बात है। ये 2 मैच पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट थे जी इन लास्ट 5 ईयर्स। आम बस ऐसा ही है, पिछली दफा एक एक इनिंग से हार के आए थे बेशरम, इस दफा बस हमारी किस्मत में यही है जी, ये वाला मैच थोड़ा अच्छा हो गया था, ये वाला थोड़ा क्लोज हो गया था, वो जो 10 साल पहले था ना वो भी क्लोज था और ये वाला भी थोड़ा सा क्लोज हो गया। वो सिडनी वाला 2010 में भी हमने फंसा लिया था, जीतने वाले थे हार गए। ब्रिस्बेन में जी हम 2016 में 490 चेस करते करते 450 पे पहुंच गए। पिछले वाले मैच में जी हम मेलबर्न वाले में भी जीतने के करीब आ गए, बस यही हमारी किस्मत में करीब आ गए, अच्छा कर लिया, एक सेशन जीत लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैच जीतना इनके बस का नहीं है। मौसम भाई दुख होता है ये देख के जी, जमाल एफर्ट इज इन वेन। भाई देखिए सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ये टीम मैच है। बाबर आजम को अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम क्योंकि कुछ लुगड़ों ने उसको ब्रांड बनाने की कोशिश की थी, अब वो इसीलिए इन द लाइन ऑफ फायर भी ज्यादा आता है, वरना माजरत के साथ अब्दुल्ला पे कोई बात नहीं हो रही, बिल्कुल ठुस गया। इमाम देख लें, सऊद देख लें, इवन शान मसूद कप्तान है, 201 नट आउट प्रैक्टिस मैच और पूरे सीरीज में 200 नहीं, तो भाई सारे ही फ्लॉप है, सिर्फ एक रिजवान जिसको आपने बेंच कर दिया, पूरी दुनिया पूछ रही थी यार ये बेंच क्यों है, और हमारे लेजेंड्स सरफराज को डिफेंड कर रहे थे क्योंकि उनका बाप है सरफराज जो है, उनका बाप असली सरफराज है और रिजवान बार बैठ, रिजवान ना पंजाबी है ना रिजवान पंजाब का है, वो केपी का है, पठान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलता है। हम ना माजिर मानते हैं, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, हम मानते हैं कि भाईजान जो मुल्क के लिए खेले, ये मुल्क के खिलाफ खेलते हैं, नेशनल टीवी में बैठ के ऐसी बकवास करते हैं किसी की औकात ही नहीं सालों को कोई पूछ सके। अच्छा यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, वो हम कहना भी भूल जाते हैं, आप वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं, एक तो टीम ऐसे ठुक रही है और ऊपर से आप जो है वीडियो लाइक को भी नहीं ठोक रहे, लाइक तो कम से कम ठोकें आप, हम तो देखें
बगैर सोए हुए बैठे हुए मैच देख रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे दिल के हाल। एक रात 12 बजे, एक सुबह 4 बजे, अब फैसला आप कर लें। लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें। अंकित जी कह रहे हैं जनाब स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे वाज ड्यूरिंग द मैच, ये फील करता है कि भारी टीम हो को हरा देंगे लेकिन लास्ट में हार जाते हैं। डोंट बी अपसेट, इट्स नॉट एन इनिंग्स डिफीट। ठीक है जी, अच्छा मजाक उड़ा रहे हैं आप हमारा, थैंक यू, मजे ले रहे। आई डिडंट स्लीप द एंटायर नाइट टू वॉच द मैच, नॉट ओनली मी, यू गाइस एज वेल, वी हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस। आई वॉज होपिंग पाकिस्तान ओवर एशियन टीम विल विन जी, उम्मीद तो यही थी। और पिछले मैच में भी इन्होंने मुकाबला अच्छा किया है, इसमें भी ये जो 15 मिनट में इन्होंने बकवास की है और पूरा मैच का नक्शा ही बदल दिया है अपने खिलाफ, वरना तो उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है जी। बस ऐसे ही है जी, बाबर पे आपने लिखा शेड्यूल आ गया जी, ठीक है जी, वो शेड्यूल आ गया तो उसमें बात कर ले। अनाउंस होगा आज, होगा अनाउंस तो होगा, सबको पता है, हर के चल रहा है वो ट्विटर पे। निहार अतल कहें जनाब साइमन बाबर वाज प्लेइंग गुड, आई थॉट दे वुड गो अनबीटन टुडे विद 100 प्लस लीड एंड गिव 250 टारगेट टू ऑस्ट्रेलिया, डिसअपॉइंटिंग अप्रोच। आई वाज आल्सो थॉट में और रियलिटी में यही फर्क है, जो ही हम सोते हैं ना बेहतरीन है, जैसे ही आंख खुलती है तो तबाही और बर्बादी हो जाती है। देखिए 58 पे 2 आउट थे, 14 वो ऐड कर ले, 72 पे 2, तो मुझे ये तो था कि एक आधा विकेट और गिर जाएगा तो चलो ठीक है, काबिले कबूल है, एक आधा विकेट और गिर जाए, 3 विकेटें गिरी हों और 75-80 रन कोई हो और बाकी लीड डाले और 90 के करीब जो है ओवरऑल काम चला जाए, 3 विकेटें गिरी हुई, नॉट बैड, इवन 4 भी गिरी होती तो नॉट बैड, थोड़ा कंसर्निंग होता, नॉट बैड। लेकिन इन्होंने तो बस जो कर दिया आपके सामने ही है, उसकी मेन वजह ये है कि ये नथन लॉयन को इन्होंने और वो हेड को बहुत सर पे चढ़ा लिया, बहुत सर पे चढ़ाया, थोड़ा सा काउंटर अटैक करते या अगर बाबर आजम में खुद हिम्मत नहीं थी वो बच्चे को फ्रीडम देता, ठीक है भाई तू खेल ले इसको, तू अच्छे शॉट मारता है तू मार इसको, एक आधा कोई ऊपर से चढ़ा दो ताकि ये बहुत ऊपर हमारे सर पे ना चढ़ जाए। भाई जान योर पीसीबी हैव टू सीरियसली रीथिंक dependence and expectation from Babar, he is not the match winner and you have been saying thing before. अब नहीं, अब आप क्या कह रहे हैं, भाई जान हमने मैच विनर नहीं कहा, पता नहीं समीर भाई आपने कौन सा वीडियो, क्या कह रहे हैं, आप उसको ड्रॉप कर दें, बाबर को ड्रॉप कर दें, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, he is not the only problem। मैं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो बाबर की जगह होता मैं आता ही ना ये 3 टेस्ट खेलने, आप यकीन करें इन्हें कोई स्केपगोट ही ना मिलता, they would have not find a single person, वो बेवकूफ है। एक्चुअली अगर आप मिचेल मार्श से आउट हो रहे हैं, ट्रेविस हेड से आउट हो रहे हैं, तो फिर भाईजान लोगों की बात में वजन है, ये मानना पड़ेगा। और फिर बात यह है कि हमारे सारे ही नल हैं, एक थोड़ी सारे ही, तो समीर जी बात ऐसे है कि बाबर को चलो ड्रॉप कर दे तो फिर सारे मसले हल तो नहीं होते ना पाकिस्तान के, याद होना कि बाकी सारे उससे बहुत बेहतर खेल रहे हैं, हरिजवान ही अच्छा खेल रहा है, बाकी तो बस गुजारा ही है, मतलब एवरेज सही है, तो या तो उससे अच्छे कोई मिल गए तो फिर उसे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद है कि वापस आ जाए जरा फॉर्म में, कुछ अच्छा कर ले, कुछ बेहतर कर ले, क्योंकि पिछले इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ वो पिछली दफा जब गया था तो पाकिस्तान मैचेस तो हारा ही था, हारता ही आ रहा कई सालों से, लेकिन उसने 100 भी किया था और 52 की एवरेज से रन भी किए थे, तो ही वॉज लुकिंग बेटर बैट्समैन अमंगस्ट ऑल लास्ट टाइम, इस दफा नहीं कुछ भी कर पाया। लेट मी क्लियर ऑन वन थिंग, सेम पीपल, सम पीपल आर सेइंग दैट कोहली भाई ने 2 साल फ्लॉप था, वो कभी इस तरह से क्लूलेस नहीं था, ही वॉज रेगुलरली मेकिंग 40-60 रन, 36 ऑल आउट वाले मैच में भी उसको इनिंग्स में 76 थे उसके, ठीक बात है। इंडिया दी वेट करो बस हूँ ते, इन्ना तो कुछ नहीं होना जी, इन्ना को की होना है, मीत सिंह साहब बस इंडिया अगले साल इसी साल ही हो जाएगा तो मैच भी 4-5 ने तो जरा मजा आएगा, कंपेटिटिव क्रिकेट होएगी, प्लेट पे रख के दे दिया जी ऑस्ट्रेलिया को मैच, हम नहीं जीत, हमने नहीं जीतना।
राज साहब कह रहे हैं, सही कह रहे ये देख रही बिंदर खाका साहब, मैं आप ही का जिक्र कर रहा था। रजे भाई आ ही देखना सी रात जाग के, फील सेम जी। मैं हूं ही ताड़ा जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मैं क्या एक भाई साहब पहले भी मैसेज कर रहे थे पूरी रात जाग के 11:30 बजे रात का मैच शुरू हो जाता है इंग्लैंड के टाइम का, पूरी रात ही लंघ जाती है, बंदा पूरी रात बिंदा रहता है। एंड जे ये बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट डेंजरस टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट, दे हैव शोन पाकिस्तान टीम दैट यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस, डोंट सेलिब्रेट येट आफ्टर टेकिंग 14 रन लीड फ्रॉम अस। चले यार फिर अब थोड़े इंतजार करते हैं, फिर अब बहस इस पे फजूल है। मतलब है यू वांट के जो मोमेंट्स आए हम भी बाकी यूट्यूबरों की तरह सिर्फ बजाते रहे हैं सेलिब्रेट, क्या बात कर रहे हैं यार आप। जब 6 विकेट अंडे पे आउट हुई है उसके बावजूद 98 की लीड थी, विच मेक्स द डिफरेंट इन द एंड, कि आपको सिर्फ 79 जीतने के लिए चाहिए था, उसमें भी कितनी दफा आपको दिल अचकोले खा रहा था। मीत सिंह कह रहे जी कुछ नहीं होना इन्हें कलों जी, लव यू बोथ, थैंक यू जी, शुक्रिया। देव रॉय कह रहे जनाब मौसम भाई इज राइट, बाबर क्यों टारगेट हो रहा है, नोबडी इज टेकिंग अबाउट द न्यू कैप्टन एंड आई एम श्योर नो वन विल, ओनली बाबर बाबर बाबर, इसलिए ज्यादा उस पर बात होती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा थी मेहरबानी से, उसे आपने किंग के आपसे मुराद है लोगों ने किंग किंग, तो फिर जब आप किंग इस तरह के सूती धागे के किंग बनेंगे, कागज के किंग बनेंगे तो फिर यह होगा। जंजुआ जी कह रहे हैं पैथेटिक फील्डिंग और बैटिंग, डोंट डिजर्व टू विन, जी सही बात है ऐसा ही है, और बैटिंग टेक्निक फॉल्ट एंड पुअर, देयर इज नो टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं है हमारे बैट पे। सर यू डिडंट अंडरस्टैंड माय मैसेज, सेलिब्रेट करना अच्छी बात है मगर इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया को तोड़ दिया बर्बाद। भाई ये जिन्होंने हमने तो नहीं यूज किए, हमने तो नहीं यूज किया ना भाई, हमने तो मैरिट पे बात कर रहे हैं, 3 दिन गुजरे हैं मैरिट पे बात कर रहे हैं, वो जिन्होंने किया फिर आप उनसे पूछें, हम तो नहीं करते ऐसा। सरिनी रमैया जी कह जनाब मौसम भाई रिजवान भाई 2 ओवर 2 स्टंप्स थोड़ा ध्यान से खेल लेते, थोड़ा जिगरा दिखा लेते, यार इनमें इतनी अकल नहीं है जी, यही बात। ये रिजवान साहब ने, रमैया साहब आपने अभी ज्वाइन किया, ये रिजवान साहब ने शुरू में क्या दिया कि 12 बॉले चाहिए सिर्फ देखनी थी, ये तो खैर 4 कह रहे थे, मैंने कहा 4 क्यों, 3 विकेट पे जाना चाहिए था, जब सैम आउट हो गया था बाबर हेड पे आउट हो रहा है, शर्म से डूब मरे। डॉक्टर साहब कहेंगे ना पेन ऑफ फैंस, पीपल लाइक यू एंड मी गेट अप अर्ली टू वॉच ऑस्ट्रेलिया सीरीज, आई फ्रॉम इंडिया गेट अप टू सी इवन दो इंडिया इज नॉट प्लेइंग, टॉक अबाउट यू, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अब इंसान को महसूस हो जाता है जब जो जिस तरह बात कर रहा होता है कि कितनी ये बात चुभी है। पिछला वाला मैच भी ये जीतने के करीब उस चांस में आए थे कि उम्मीद थी, वो कैच ड्रॉप कर दिया, वो मैच ड्रॉप हो गया। इस वाले में भी बॉलर्स ने चलो 14 रन की लीड दी है और तुम 313 ना करो, तुम 213 कर लो, कोई 200 को तो पार करो, कोई लीड कर कर आके 225-30 पे तो जाओ, कुछ तो करो, कोई थोड़ी सी तो होप तो दो अपने फैंस को, लेकिन बस कुछ भी नहीं किया। एनीवेज जी ख्वाजा जा भी कह रहे हैं टुडे ऑसिस प्राइम मिनिस्टर एंथोनी वाज इन द कमेंट्री, नो प्रोटोकॉल नो तब्दीली, पाकिस्तान के सिलेक्टेड आई मीन नेग्लेक्टेड पीएम होता था कमेंट्री में, ओ भाई वो तो वो क्या ही बात करनी फिर पॉलिटिक्स की यहाँ पे, अब पाकिस्तान में तो सत्यानाश फिर आ हर चीज का, क्रिकेट भी उसमें एक यार पॉलिटिक्स भी वही है। एनीवेज दोस्तों जो आपकी कमेंट्स हैं आप लिख दीजिएगा, तो बस दुखी दिल किसके साथ फिर आपसे टाटा बाय बाय करते हैं, फिर शाम में रात में इंशाल्लाह वही जो हम 9-10 बजे आते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अभी आप इजाजत दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय और थैंक्स टू